पानी से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले नदी या तो नहर में बड़ा सा डैम बनाया जाता है, जिसमें से गिरने वाली पानी को बहुत ही ज्यादा हाइटेड रखा जाता है और इसे फ्लो होने वाली पानी के एंडिंग पॉइंट में टरबाइन के साथ जनरेटर लगा होता है। तो जैसे ही डैम से पानी हाई प्रेशर के साथ फ्लो होती है तो टरबाइन में लगे ब्लेड टरबाइन को तेजी से घुमाने लगते हैं और साथ ही इसमें लगा जनरेटर शाफ्ट से कनेक्ट होने की वजह से घूमने लगते हैं, जिसके कारण जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगता है। इसके बाद जनरेटर से निकली बिजली केबल के जरिए पावर हाउस के ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है। उसके बाद ट्रांसमिशन केबल के जरिए बिजली को लोकल एरिया तक पहुंचाया जाता है। पानी से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले नदी या तो नहर में बड़ा सा डैम बनाया जाता है, जिसमें से गिरने वाली पानी को बहुत ही ज्यादा हाइटेड रखा जाता है और इसे फ्लो होने वाली पानी के एंडिंग पॉइंट में टरबाइन के साथ जनरेटर लगा होता है। तो जैसे ही डैम से पानी हाई प्रेशर के साथ फ्लो होती है तो टरबाइन में लगे ब्लेड टरबाइन को तेजी से घुमाने लगते हैं और साथ ही इसमें लगा जनरेटर शाफ्ट से कनेक्ट होने की वजह से घूमने लगते हैं, जिसके कारण जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगता है। इसके बाद जनरेटर से निकली बिजली केबल के जरिए पावर हाउस के ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है। उसके बाद ट्रांसमिशन केबल के जरिए बिजली को लोकल एरिया तक पहुंचाया जाता है। पानी से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले नदी या तो नहर में बड़ा सा डैम बनाया जाता है, जिसमें से गिरने वाली पानी को बहुत ही ज्यादा हाइटेड रखा जाता है और इसे फ्लो होने वाली पानी के एंडिंग पॉइंट में टरबाइन के साथ जनरेटर लगा होता है। तो जैसे ही डैम से पानी हाई प्रेशर के साथ फ्लो होती है तो टरबाइन में लगे ब्लेड टरबाइन को तेजी से घुमाने लगते हैं और साथ ही इसमें लगा जनरेटर शाफ्ट से कनेक्ट होने की वजह से घूमने लगते हैं, जिसके कारण जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगता है। इसके बाद जनरेटर से निकली बिजली केबल के जरिए पावर हाउस के ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है। उसके बाद ट्रांसमिशन केबल के जरिए बिजली को लोकल एरिया तक पहुंचाया जाता है। पानी से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले नदी या तो नहर में बड़ा सा डैम बनाया जाता है, जिसमें से गिरने वाली पानी को बहुत ही ज्यादा हाइटेड रखा जाता है और इसे फ्लो होने वाली पानी के एंडिंग पॉइंट में टरबाइन के साथ जनरेटर लगा होता है। तो जैसे ही डैम से पानी हाई प्रेशर के साथ फ्लो होती है तो टरबाइन में लगे ब्लेड टरबाइन को तेजी से घुमाने लगते हैं और साथ ही इसमें लगा जनरेटर शाफ्ट से कनेक्ट होने की वजह से घूमने लगते हैं, जिसके कारण जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगता है। इसके बाद जनरेटर से निकली बिजली केबल के जरिए पावर हाउस के ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है। उसके बाद ट्रांसमिशन केबल के जरिए बिजली को लोकल एरिया तक पहुंचाया जाता है।